हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम एफ बी गेमिंग वाई टी 2.0 गाइस। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं अपने फिफ्थ पिक्सल गैलेंट पे वापस से आ चुका हूँ और आज मैं आपको बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताने वाली हूँ। और आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा, तो फाइनली मेरा जूजू बॉय है वो अनलॉक हो चुका है। तो सबसे पहले कि हम लोग उसे क्राफ्ट करें, तो उससे पहले आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो का एम लाइक रखते 15 का तो जल्दी से कम्प्लीट करवा देना। तो सबसे पहले तो यार इसका रेसिपी भी अभी हमें चेक करना होगा, तो इसके लिए ये नहीं चाहिए हमें। अभी हमें अपना रेसिपी बुक में देखना होगा स्लेयर रेसिपी। और यहाँ पर से सबसे पहले तो एंडरमैन स्लेयर पे हमें यहाँ पर जो शॉर्ट पो तो कुछ ये रेसिपी है। लेकिन उससे बनाने से पहले सबसे पहले अपने मिनियंस को भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। बहुत दिनों से कलेक्ट नहीं किया तो कर ही लेते हैं, तुम भी कलेक्ट हो जाओ। तो इसके साथ हमारा एसेसरी बैग का एक अपग्रेड हो चुका है, तो जल्दी से एसेसरी बैग के अंदर अपनी चीज़ों को भी रख लेते हैं यार। थोड़ी चीज़ें मतलब कि इन्वेंट्री थोड़ा ज़्यादा फुल हो जाता है, तो इस तरीके से इन्वेंट्री कम फुल होता है। और अभी इन लोगों को कलेक्ट करता हूँ जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी कलेक्ट करके मिलता हूँ। और ये मत सोचना कि इतने कम क्यों उसने दिया, तो मैंने इसको ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था, इसको भी कलेक्ट कर चुका हूँ, लेकिन एक बार वापस कलेक्ट कर लेते हैं। और तू भी आ जा, तो अभी मैं सबको कलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद अभी हम लोग हब में जाने के बाद अपने लिए एक मस्त सी जूजो बो बनाने वाले हैं यार, जो कि मैं पहली बार बना रहा हूँ। फेक पिक्सल या फिर और भी जो भी मैंने सर्वर बना खेला है उस पर मैं पहली बार ये जूजू बना रहा हूँ। वैसे हाई पिक्सल तो मैंने कभी मतलब कि खेला है, लेकिन उतना मैं खेल नहीं पाता हूँ क्योंकि यार प्रीमियम में सीसी नहीं है यार। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा यार, अगर आप लोग प्लीज़ हेल्प करो यार, वॉच टाइम में बहुत ज़रूरत है अभी मेरे को वॉच टाइम आवर की। उसके लिए कम से कम अगर आप लोग यार, अगर आप में से 20 लोग भी अगर डेली मेरी वीडियो को 1 आवर के लिए वॉच कर ले, तो मतलब कि कोई भी वीडियो अगेन एंड अगेन, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन से सीसी, एक ही सीसी अगर आप बार बार देख लेते हो ना यार, तो उससे भी मेरे ही मतलब कि आप 1 आवर का मेरे को वॉच टाइम दे दोगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ यार, थोड़ा हेल्प कर दिया करो तो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा यार आपके भाई का, और मोनेटाइजेशन के लिए भी हेल्प हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा हेल्प कर दिया करो। तो अभी तो सब चीज़ों को सेल करते हैं, और यहाँ पर अभी इसको भी सेल करते हैं, तो कुछ 3.5 मिलियन के राउंड आ चुका है मेरे पास। तो अभी सबसे पहले बैंक के अंदर से भी हम लोग पैसे निकालते हैं, तो विड्रॉ कॉइंस 64 तो सारे ही निकाले, तो अभी हमारे पास 22 मिलियन है, क्योंकि अभी सारे के सारे पैसे को भी मैं उड़ाने वाला हूँ लिटरली। तो सबसे पहले तो देखते हैं यार हमें चारकोल टाइप वो वाला चीज़ कहाँ से मिलेगा। तो जहाँ तक मेरे को उम्मीद है इसी के अंदर होगा शायद, तो इसके अंदर तो नहीं है यार वो चारकोल वाली चीज़, शायद से यही है। मेरे को एक बार चेक करना होगा उसका रेसिपी, मैंने अच्छा से देखा नहीं है। तो क्या क्या चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पर नल वाइट चाहिए होगा 32 32 32, बाकी समझ में आ गया। तो जल्दी से बैक कर देते हैं, तो अभी हमें सबसे पहले नल वाइट बैक करना है बैन स्टेंटली एंड 32 32। जल्दी से सारी चीज़ों को मैं बैक करता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने पहली बार इसको क्राफ्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका डैमेज भी चेक करेंगे यार। और यहाँ पर से 32 मैंने इसको बैक कर लिया, और अभी हमें क्या क्या बैक करना था, तो शायद से यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, कोई नहीं एक बार और चेक कर लेते हैं आखिरी बार, उसके बाद से नहीं भूलूँगा मैं। इसमें नहीं बैक करो, तो और क्या चाहिए था यहाँ पर, तो 32 इंचांटेड ये चाहिए और 64 इंचांटेड स्ट्रिंग, जो कि 3 स्टैक चाहिए होगा अभी हमें। तो जल्दी से बैक कर लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। तो एक काम करता हूँ यार, सब चीज़ें बैक करके ही मैं आपसे मिलता हूँ एक बार। तो फाइनली यार हमने सारी चीज़ों को बैक कर लिया, अभी जल्दी से अपने जो जो बुक को क्राफ्ट करते हैं। तो ये रहा क्राफ्टिंग टेबल, तो इस तरीके से हम लोग इतने आराम से तो नहीं क्राफ्ट करने वाले। तो यार मैंने बहुत मुश्किल से इतनी बहुत ही मुश्किल से यार मैंने यहाँ पर मकड़ियाँ लाई हैं जादुई मकड़ियों की, और यहाँ पर मैंने इतना माइन किया और यहाँ पर इतने एंडरमैन को मारा है ना, और ये पता नहीं उन्होंने अंडे भी दिए जितना मारा है मैंने उन्हें। और फाइनली यहाँ पर हमारे जूजू शॉर्ट बो क्राफ्ट हो चुका है, तो अभी इसके लिए एरो भी तो चाहिए होगा हमें। तो जल्दी से एरो चल करके बैक करते हैं यहाँ पर से, तो कौन देता है यार वेपन इसमें, जल्दी से एरो निकाल यार तू जल्दी से, हमारे पास अभी जूजू बो है देख ले, ज़्यादा होशियारी करेगा ना तो मार दूंगा इधर ही। तो अभी सबसे पहले तो जूजू बो खेली जितना हो सकता है उतने सारे हम लोग बैक करते हैं, और अभी हमें इसको इंचांट भी करना है, तो इस पर क्या क्या इंचांट हम लोग लगा सकते हैं यार वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से इंचांट लग सकते हैं यार इस पर, टेलीकिनेसिस एमिंग पावर स्नाइप इन्फिनिटिव ओवर, तो बाद में देख लेंगे यार ये सब। और यहाँ पर क्या ही गंदे वाला लैग हो रहा है, तो कोई ना अभी मेन काम से चलते हैं जो कि हमारा मेन काम है। अभी चलते हैं यार यहाँ पर और डैमेज चेक करते हैं अपना,
ये क्या बात हो गई यार। तो 1 पॉइंट मतलब कि 14K का डैमेज आ रहा है अभी, तो कोई नहीं, जैसे जैसे इसको मैक्स करेंगे वैसे वैसे इसका डैमेज भी इंक्रीज़ होगा जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अभी वैसे तो इसके अंदर मैंने कोई इंचांट वगैरह नहीं किया, तो सबसे पहले यार सारे इसको मतलब कि बो को इंचांट करके ही मैं आपसे एक बार मिलता हूँ, और उसके बाद देखते कि हमारा डैमेज कितने का होने वाला है। तो फाइनली यार सारे इंचांटमेंट वगैरह करने के बाद अभी हमारा डैमेज मैं आपको दिखा देता हूँ कितने का आ रहा है। तो एक बार इन लोगों को मार के देखते हैं, तो 16,388 जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे हमारा डैमेज अभी इस लेवल तक का जा रहा है। तो अभी इसमें और भी कुछ एक्स्ट्रा इंचांटमेंट वगैरह होता है जो कि अभी मेरे बो पे नहीं है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी हम लोग एंड में जा करके एंडर मैन पे भी टेस्ट करने वाले हैं यार। तो एक तो बहुत अच्छी बात हो गई, तो आप लोगों को अगर जूजू बो का डैमेज इंक्रीज़ करने का कुछ तरीका वगैरह पता होगा तो बता देना यार, हेल्प हो जाएगा थोड़ा। बाकी स्पाइडर पे क्या डैमेज आता है यार वो देखते एक बार, तो इन पे भी तो सेम ही डैमेज आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो कोई ना, अभी हम लोग चल करके एंडरमैन पे देखते हैं क्योंकि एंडरमैन पे हमेशा सबसे ज़्यादा डैमेज आता है। तो आप लोग यार बता देना मतलब कि किस पे मतलब कि और कैसे इसका डैमेज अभी हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो मैं ट्राई करूँगा इंक्रीज़ करने का। तो अभी हम इस एंडरमैन को किल करके देखते हैं क्या डैमेज आ रहा है यार, ये मरा क्यों नहीं। तो इस पे भी तो यार सेम ही डैमेज आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं आया है। वैसे बस फ़ायदा इतने का है कि मतलब कि हम दूर से ही किसी को भी मार सकते हैं, कोई भी एंडरमैन वगैरह को, जैसे कि इसको है यार, तो ये मार दिया यार इसको भी मैंने। और अभी हम लोग बॉस वगैरह से फाइट भी कर सकते हैं एंडर ड्रैगन से, तो जो कि अच्छी बात हो गई क्योंकि यार एंडर ड्रैगन से मेनली अभी हम लोग मतलब कि और नॉर्मली स्वॉर्ड से तो बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकते ना। और ये मतलब कि खुद भी खुद कभी कदार ये अपना डैमेज खुद ही चूज़ कर लेता है, तो जो कि अच्छी बात हो गई। बाय द वे मेरा मतलब कि उतना अच्छा डैमेज भी नहीं आ रहा, 16K आ रहा है बट, जो कि बहुत बढ़िया है, लेकिन आप लोग मेरे को सजेस्ट करना यार क्या करूँ कि इसका डैमेज और अच्छा है। तो आज की वीडियो के लिए, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ मेरे डिस्कॉर्ड पे एक गिव अवे भी मैं ऑन करने वाला हूँ अभी, तो जा करके देखना यार। तो 1 मिलियन का गिव अवे, तो जल्दी से जाके ज्वाइन करो उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।